अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हम C++ हमारा सब्जेक्ट है। हम इसमें आप लोगों को जो पहले डील किया है हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस IT सीरीज़ में से, मैं ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो था वो मैं कह रही थी कि हम आज से आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं 2 टाइप्स की। तो बेसिकली मेन होती हैं जिसमें आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, और दूसरी आपकी होती है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन। स्ट्रक्चर्ड के नाम से पता चल गया कि कोई एक टेक्निक है, एक सिनेरियो है जो कि सब मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा स्केच, एक टेक्निक। सो इसमें हम एक बड़े प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट्स के अंदर तोड़ देते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं, सब मॉड्यूल, सब प्रोग्राम। सो हर मॉड्यूल जो है वो पुराने वाले के साथ रिलेट कर रहा होता है, और वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन एक ही टास्क है। उस एक प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम को सब मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ा है, तो वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टास्क एक है। ये याद रखें, आपका पार्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो रहा है, एक टास्क है, लेकिन उसके मॉड्यूल्स जो है ना छोटे छोटे कर दिए हैं। जैसे आप लोगों की बहुत बड़ी क्लास है, तो अब सबको एक असाइनमेंट तो नहीं ना देनी, अब टीचर ने ग्रुपिंग फॉर्म में देनी है। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक फुल चैप्टर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हैं कि ये वाला टॉपिक आपने करना है, ये वाला टॉपिक आपने करना है। तो सब मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ देना, जो है वो काम आपका आसान होता है। तो यहाँ पे फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में टेक्निक्स होती हैं जो कि आपकी होती है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल और सेलेक्टिव स्ट्रक्चर, आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर आता है। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जिसमें हम स्टेटमेंट जो होती है ना, वो एक ऑर्डर की फॉर्म में होती है। पहले स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर 2 चलेगी, फिर 3 चलेगी। मतलब ये है कि इसमें से अगर मैं स्टेटमेंट 2 को स्किप करना चाहूँ तो वो स्किप नहीं की जा सकती। हर चीज़ को चलाना पड़ेगा। लाइक मुझे स्टेटमेंट 3 चाहिए थी, लेकिन वो तो दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बाद आ रही है, तो मुझे दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर हमें बाउंड। कंडीशन में कोई ये बाउंड्री नहीं होती। इसमें 2 कंडीशंस हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है, इस कंडीशन का दूसरा नाम होता है सिलेक्शन। ऑलरेडी आप लोगों को फ्लो चार्ट में भी बताया, कंडीशन लगी होती है इफ़ और एल्स, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सिलेक्शन भी तो वही बात होगी ना, कंडीशन ही है ना, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सेलेक्ट आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। जो आपकी कंडीशन लगी हुई है उसी की बेस पे ये सिलेक्ट किया जाएगा कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। अगर आपकी पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज इग्नोर हो जाएगी और फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर। ट्रू है तो वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स है तो वो आपको मैसेज अलर्ट करवा देगी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लाइक ट्रू कंडीशन है, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 चल जाएगी, क्योंकि ट्रू इस साइड पे तो ट्रू स्टेटमेंट 1 है, एफ मतलब स्टेटमेंट 2 है। तो ये अभी आपका फ्लो चार्ट ही है ना, फ्लो चार्ट बनाया गया है। देखिए फ्लो चार्ट है, एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। कंडीशन लगाई है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आइटरेटिव स्ट्रक्चर, आइटरेटिव स्ट्रक्चर कह लो, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर कह लो, जैसे कंडीशन के दो नाम, एक नाम है कंडीशन कह लो या सिलेक्शन कह लो, बात तो वही है ना, या मैं इसको सिलेक्ट करूँगी या मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, दोनों एट अ टाइम तो सिलेक्शन ही ना कर सकते, तो कंडीशन नहीं है ये। आइटरेटिव में ना मतलब कि रेपिटेशन हो रही होती है, रिपीट। एक अगर मैं कह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है, तो देखो ना भाई, आप प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखोगे तो वहाँ पे कंडीशन तो नहीं ना लगेगी, वहाँ पे आपका आइट्रेशन लगेगा, आपका वहाँ पे रेपिटेशन लगेगा। मतलब 1 से लेकर 10 तक जब तक वो प्रिंट नहीं हो जाते तब तक वो रिपीट होती जाएगी, उसके अंदर आपके कंटेनर के अंदर वैल्यू ऐड होती जाएगी। हाँ, रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रैपिडली। इट इज़ आल्सो नाउन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप।
इसको हम क्या कहते हैं, आइट्रेशन स्ट्रक्चर योर लूप भी कहते हैं। तो बेसिकली इसके टू ही पर्पस होते हैं, आपकी जो स्टेटमेंट होती है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स में चलती है। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मुझे काउंटिंग शो करवानी है 10 टाइम्स, तो एग्जांपल भी वही चीज़ ही दे दी है इन्होंने, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, तो वो सीक्वेंस वैल्यू की चलेगी, इसमें लूप लग रही है। जब तक 10 तक वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलती जाएगी। हम ना लूप की बात करते हैं ना, लूप होता है ना, तब तक लूप घुमाई जा रहा जब तक हमें उसकी डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चल गई, हाँ जी भाई अब 1 हो गया। लेकिन 1 के बाद याद रखें, 1 के बाद कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि वो आप आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। जब तक उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगी, जब तक उसकी डेस्टिनेशन उसे नहीं मिलेगी, तब तक इसने लूप को चलाते जाना, फिर वो जाएगा हाँ जी जी ट्रू है, हाँ जी स्टेटमेंट 1, अब 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया, फिर हमें पता है कि कंडीशन यहाँ पे दी गई है n इज इक्वल टू और लेस देन हो 10 से। एग्जांपल है ना, n कोई भी ले लें, आप a में ले लें, a लेस देन इक्वल टू 10, मतलब उसके अंदर वैल्यू रखवा दी है, एक वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यूज रखवा दी है, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलती जाएगी, जब तक हमारी कंडीशन एंड नहीं हो जाती, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती बेटा, तब तक ये कंटिन्यू रहेगी, लूप चलती जाएगी। तो एग्जीक्यूशन ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट है ये, इस कंडीशन में ये है, मतलब रेपिटेशन में ये चीज़ होती है, इसमें कंडीशन जो है ना आपकी ट्रू तब होती जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, और तब फॉल्स होगी जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद फंक्शन कॉल होती है, जिस देखिए भाई फंक्शन कॉल है ब्लॉक्स ऑफ कोड, मॉड्यूल्स बताया ना इतनी बार, तो फंक्शन कॉल बता दिया है। आपके जो फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट डैट मूव्स द कंट्रोल टू अदर ब्लॉक ऑफ कोड। सो यहाँ पे जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है वो मूव करती है कंट्रोल किसकी तरफ, अदर ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, फिर फंक्शन कॉल है, फिर स्टेटमेंट है। अब आपके फंक्शन स्टेटमेंट्स रिटर्न वगैरह, जैसे कि मैं फंक्शन कॉल में इस मॉड्यूल में से कोई भी स्टेटमेंट उठाना चाह रही हूँ, मेरा ऐड का फंक्शन है, मेरा सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, मेरा मल्टीप्लाई का फंक्शन है, मैंने लहदा लहदा बनाया, जिस फंक्शन की मुझे अब प्लस की ज़रूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन जो है वो कॉल होगा, प्लस वाला, बाकी नहीं। तो ये होता है फंक्शन कॉल, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम कॉल कर लेंगे। ये हमें नहीं करने हैं। ओके, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम जो प्रोग्राम लिखते हैं ना वो ऑब्जेक्ट की फोकस करके लिखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक पर्सन की एग्जांपल दी थी, पर्सन है तो उसकी एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस बताएं, ठीक है। एक पर्सन आप अपने पे देख लें, आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपके क्या फंक्शंस हैं, आपके क्या बिहेवियर्स हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, साफ सी बात है, ऑब्जेक्ट किसका कलेक्शन है, डाटा का और फंक्शंस का। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर, इसमें काम करना आसान है, इसको चेंज करना आसान है, बजाय इसके कि हम एक सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का फोकस होता है कि हाँ भाई ये मॉड्यूल इस चीज़ से रेलेवेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सन की एग्जांपल दी है, पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सो नेम, एज, हाइट वगैरह जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये हर एक बंदे की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, किसी का नेम डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है। अब फंक्शंस क्या है, वो वॉक कैसे करता है, वो टॉक कैसे करता है, ईट कैसे करता है, मूव कैसे करता है, ये उसके फंक्शंस हैं एक पर्सन के। आप खुद देख लें, आपके ये फंक्शन ही है आप जो परफॉर्म कर रहे हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैं कीबोर्ड का कोई चलते चलते प्रोग्राम के अंदर कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस कर देती हूँ, माउस का क्लिक कर रही हूँ, या मैं कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रही हूँ, कोई भी डिलीटिंग, चेंजिंग, मूविंग फाइल, कुछ भी कर रही हूँ ना, कुछ भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये एक इवेंट अकर हो रहा है, ठीक है। समथिंग समथिंग हैपन, इवेंट तब अकर होता है जब कुछ
मतलब परफॉर्म होना हो, कुछ अकर होना हो, जैसे यहाँ पे लिखा क्लिकिंग द माउस बटन, आप माउस का बटन प्रेस करते हो, कुछ ना कुछ तो होगा ना, माउस का बटन प्रेस कर जा रहे हो और आपका सिस्टम चल रहा है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता वो कुछ भी फंक्शन ना परफॉर्म करे। अगर वो माउस आपके सिस्टम के साथ अटैच है तो वो ज़रूर एक्शन परफॉर्म करेगा। टाइपिंग अ करेक्टर कोई भी, मैंने ए लिखा है, देखिए ए डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ, ये देखो ना, ए प्रेस किया, ए लिख हो गया, ये इवेंट अकर हुआ है। बी प्रेस किया तो बी बी डिस्प्ले हो गया, तो यहाँ पे ये एक इवेंट अकर हो रहा है। और हम कोई विंडो को बंद करते हैं तो आल्ट एफ फोर करते हैं, अगर मैं इस विंडो को बंद करना चाहूँ तो मैं आल्ट कीबोर्ड से आल्ट और एफ फोर प्रेस करूँगी तो विंडो क्लोज हो जाएगी। तो ये भी चलते चलते कोई ना कोई इवेंट अकर हो रहा है ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। विजुअल प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। तो विजुअल प्रोग्रामिंग आपका क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस पर्पज़ के लिए, इंटरेक्टिंग विद द प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये सामने स्क्रीन, इसको हम GUI कहते हैं। अगर ये देखें डेस्कटॉप की ये स्क्रीन है, ये GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आपको मतलब हाउ नो बता रही है कि कैसे यूज़ करना है आपने। सो अगर अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ गए हैं, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं उस बुक में भी। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बाद फिर सी आई, ठीक है, सी की ही एडवांस वर्जन है ना, सी प्लस प्लस जो है वो जारने सेट्रॉस ट्रप ने जो थी वो बेल लैब्स के अंदर इसको डेवलप किया था 1980s के अंदर। सो ये तो रिपीट हो गया ना दोबारा, इतना ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस बंदे ने की थी, बेल लेबोरेटरीज में की थी और कौन सा ईयर था। और ये जो आपकी सारी क्लासेस की सी लैंग्वेज की इन्हांसमेंट थी, सी की ही लाइब्रेरी को यूज़ किया गया था, लेकिन एडवांस वर्जन में तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इससे ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं करना कि परेशान हो जाए कि इतनी हिस्ट्री, इतना कुछ ऐसी बात नहीं है। सो टेंशन लेके नहीं करना, आपने इसके नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस कन्वीनियंट लैंग्वेज है। जी हाँ, कन्वीनियंट लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, ईजियर, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आपकी लो लेवल लैंग्वेज है उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो इजीली इसको कम कन्वर्ट कर लेता है। प्रोग्रामर जो होते हैं ना, एक तो प्रोग्रामिंग होती है लाइक PHP हो गया, थोड़ी सी एडवांस हो गई है तो टफ हो जाती है, तो C++ ईजियर है, हर किसी को समझ आ जाती है इस लैंग्वेज की। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जी हाँ, इसके अंदर ऑलरेडी सिंटैक्स बने हुए हैं, प्रिंट होता है सी इन सी आउट, तो इसलिए ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू मेंटेन और मॉडिफाई है। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, वो अपर केस में लिखा है तो हमें भी वैसे ही यूज़ करना, ऐसे ही होता है ना हम। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट अपर केस एंड लोअर केस वर्ड, ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। सो हम इसमें किस में लिखते हैं, लोअर केस के अंदर सारे कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे ये रिटर्न लिखा हुआ, इन लिखा, लोअर केस में लिखे हुए ना सारे। मशीन इंडिपेंडेंट, ये कोई लैंग्वेज मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, हाई लेवल लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इसलिए ये ह्यूमन को तो समझ आ रही होती है, ह्यूमन तो इसको लिख ही रहा होता है, लेकिन ये मशीन डिपेंडेंट मतलब के नहीं है कि हम बाउंड हो जाएंगे कि हम भी 01 की फॉर्म में ही काम करना है, इसमें ऐसी बात नहीं है, इस फेंस को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट की बेस पे काम करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो रियल लाइफ में हर कोई चीज़ तो ऑब्जेक्ट होती है, एक चेयर है, एक टेबल है, कोई भी चीज़ है वही, वो एक ऑब्जेक्ट ही होती है। तो इसलिए आपकी जो C++ है वो ऑब्जेक्ट बेस काम करती है, इसलिए तो हम इसको ऊप कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग,
सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. इट मीन्स मॉड्यूलर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स. तो देखे ना कितना टर्म को चेंज करके लिखा हुआ, तो इससे भी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते थे यार मॉड्यूलर क्या चीज़ है. तो मॉड्यूलर कोई और चीज़ नहीं है, मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी डिवीजन है. तो सी प्लस प्लस के अंदर हम मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में काम करते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है. और हम जब कंपाइल करते हैं, जोड़ते हैं इनको, फिर सारी जो मॉड्यूल्स हैं उनको आपस में रिलेट कर देते हैं. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जी हाँ, इसके अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जिसमें फंक्शन, कॉन्स्टेंट, क्लासेस और प्रीजर्व वर्ड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो प्रोग्रामर बार बार वही वाले फंक्शंस यूज़ करने के बजाय हर बार एक प्रोग्राम में न्यू ऐड करें, तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अपने भी कीवर्ड्स रख देता है और ऑलरेडी बिल्ट इन भी होते हैं, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं. हार्डवेयर कंट्रोल, अब हार्डवेयर कंट्रोल कैसे होगा, क्या रियल टाइम पे हार्डवेयर को कंट्रोल करेगी, ये कोई रोबोट है? नहीं भाई, ये रोबोट नहीं है. लेकिन हार्डवेयर कंट्रोल इस तरह है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, वो एफिशिएंटली आपका जो हार्डवेयर है ना उसको डील कर रहा है, मतलब रनिंग में अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छी हो रही है. तो इससे मतलब समझ आ रही है ना, अंडरस्टैंडेबल है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ. हाँ जी भाई, ब्रेविटी. सी प्लस प्लस इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, क्योंकि ये छोटी लैंग्वेज है, स्मॉल लैंग्वेज, स्मॉल कीवर्ड्स यूज़ होते हैं. इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, बट स्टिल इट इज़ द एवरी पावरफुल फॉर डिवेल्पिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. सो लेकिन ये बहुत पावरफुल है, तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को डिवेलप करने के काम आती है. तो ये इसका मतलब होता है ब्रेविटी. सो और भी चीज़ है कि ये स्मॉल लैंग्वेज है और दूसरों के साथ कंपेयर किए जाए तो ठीक है, तो इस सेंस को इसको ब्रेविटी कहा गया कि स्मॉल लैंग्वेज है. स्पीड के हिसाब से भी अच्छी है, फास्ट कोड जिन लिख रहे हैं जनरेट भी होगा और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होगा. पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत फेमस है, हर किसी को तो पता है. आप लोग देखें ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलर ही हुई ना ये. सी कंपैटिबिलिटी, जी ये आपके जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी सी लैंग्वेज की, उसी की इन्हांसमेंट है ना ये. तो सी जैसी ही है, इसमें सी इंक्लूड है. तो आप सी के देखिए जी, आपने सी के अंदर काम किया, हम कहते हैं ना सी के अंदर, मतलब लेट्स सपोज करें आपने काम किया, तो आप उसका कोड सी प्लस प्लस के अंदर भी रन कर सकते हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी यही तो होती है, उसको जोड़ा जा सकता है इन फ्यूचर. अगर आप लाइक घर बनाते हैं, तो घर के दो कमरे बना लिए, अभी एक पेंडिंग पे था, तो अब ये तो नहीं है ना कि सारा घर मतलब डिस्ट्रॉय करके आप तीसरा कमरा बनाएंगे या कुछ भी उसके साथ. तो पुराने वाले के साथ कंपैटिबिलिटी करके ही करते हैं ना. तो इसका मतलब ये होता है कि सी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो सी प्लस प्लस उसका इन्हांस वर्जन है. तो सी लैंग्वेज आपकी सी प्लस प्लस के अंदर चल सकती है, ऑनवर्ड चल सकती है, लेकिन बैकवर्ड आप ये ना कह देना कि सी प्लस प्लस सी के अंदर चल जाएगी. भाई सी आपकी सी प्लस प्लस को कैरी नहीं कर सकती. ओके, अब वो चीज़ आ गई जो कल हम, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी ना प्रोग्राम सी प्लस प्लस का, इसको जो प्रीवियस लेक्चर था मंडे वाला, मंडे का जो लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को प्रोग्राम सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर बता रही थी कि बेसिकली हम कैसे लिखते हैं. फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर, जो हम एक फॉर्मेट, एक तरीक़ेकार के साथ आप प्रोग्राम राइट करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. तो सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, ईजीली है. इसमें इसके जो पार्ट्स है ना वो इस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करते हैं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो हैश इंक्लूड जो बताया था वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कंपाइलर करने से पहले, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब आपकी बॉडी से पहले, मेन बॉडी से पहले हम इसको कॉल करते हैं, हम इसको राइट करते हैं. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का दूसरा नाम है कंपाइलर डायरेक्टिव.
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम प्री प्रोसेसर भी कह सकते हैं, सिंपल कितने नाम है भाई, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कह लो, कंपाइलर डायरेक्टिव कह लो, प्री प्रोसेसर कह लो। और इसके एंड पे ना याद रखिएगा सेमी कॉलन वगैरह नहीं आता, वो सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स के एंड पे आता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल, हैश सिंबल से है ना, ये देखें हैश इंक्लूड। दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो जितने भी फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है यूज होते हैं सी प्लस प्लस में टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। तो ये इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, ये लाजमी है, ये ऐड होनी ही होनी है, क्योंकि जो भी आपकी इनपुट है, आप आउटपुट देखना चाह रहे हो, स्क्रीन क्लियर करना चाह रहे हो, गेट करेक्टर करना चाह रहे हो, अगर आप हेडर फाइल्स नहीं ना लगाएंगी तो आपका प्रोग्राम जो है वो रोंग है, वो कंपाइल ही नहीं होना, जो मर्जी कर लो। इंक्लूड प्री प्रोसेसर, इंक्लूड आपके ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर ही तो है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे हैश आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट आईओ स्ट्रीम डॉट एच एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये याद रखिएगा, इसको बेशक हिफ्ज कर लो, रट्टा मार लो, याद कर लो परमानेंट, कि ये लाजमी आनी आनी है। आईओ स्ट्रीम आपकी जो होती है ना, आईओ का मतलब होता है आई ओ इनपुट, आओ का मतलब आउटपुट, स्ट्रीम जितनी भी इस चीज़ से रेलिवेंट काम होगा। हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसके बगैर आपके जो प्रोग्राम के कोड लिखते हैं ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ये कॉल करना ज़रूरी है, अदरवाइज काफ़ी कीवर्ड्स जो हैं वो काम नहीं करते। जैसे कि हेडर की एक्सटेंशन है डॉट एच, अभी आप देखें यहाँ पे था ना आयो स्ट्रीम डॉट एच, तो ये डॉट एच है ना, ये आपके हेडर को रिप्रेजेंट करता हैडर। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया इज़ यूज इंक्लूड हैडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम। तो इस फाइल को जो है हम प्रोवाइड करते हैं सी प्लस प्लस कंपाइलर सिस्टम के लिए। तो नॉर्मली जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और बाकी जो आप हेडर के अंदर राइट करते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, एंगल ब्रैकेट ही है ये। आर्म को अगर हम बेंड करें लेफ्ट और राइट, अपने आर्म को बेंड करके देखो, इस तरह का सिंबल बनता है ना, तो ये एंगल्स होते हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स है। हेडर फाइल्स में हमने यही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा है हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, मतलब यहाँ पे आयो स्ट्रीम भी हो सकती है, कोनियो डॉट भी हो सकती है, और अगर आपने एंगल ब्रैकेट नहीं लगानी तो फिर आप डबल कोट्स यूज़ करेंगे एंगल ब्रैकेट की जगह पे। जैसे कि हैश इंक्लूड डबल कॉलन है, डबल कोट्स हैं सॉरी, क्योंकि कॉलन तो ये सिंबल नहीं होता, कॉलन तो आपका दूसरा वाला सिंबल होता है जो एल कीबोर्ड में, जहाँ पे एल होता है ना उसके राइट साइड पे बटन होता है कीबोर्ड का, उसके ऊपर कॉलन भी है और सेमी कॉलन भी है। तो ये डबल कोट्स हैं। तो आयो स्ट्रीम का क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ऑलरेडी बता दिया ये। तो ये जितनी भी आपकी हेडर फाइल्स हैं, बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, जो भी चल रहे हैं इसी के अंदर चल रहे हैं। अब हेडर फाइल, जैसे कि आप लोग कहते हो कि मैथमेटिक्स के फार्मूलाज लगाने हैं, ऐसे तो नहीं लग रहे हैं। अगर आप उसकी हेडर फाइल ऐड नहीं ना करते तो वो कभी भी नहीं चलेगा। अगर आपको कोई थ्योरम दे दिया जाए तो आपको उसका तरीकाकार आता है ना, तो आप उसको सॉल्व करते हैं। लेट सपोज करो, अगर आपको ये कह दिया गया है कि पावर निकालो, आपको पावर निकालने का मेथड पता होगा, तो उसका फार्मूला पता होगा तो काम करेंगे ना, अदरवाइज कैसे पावर निकल आएगी। इसी तरह आप डिफरेंट फार्मूलाज पुट करते हैं, फार्मूलाज लगाओगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो इसी तरह ये है, मैथ की भी लाइब्रेरी ऐड करना ज़रूरी है अगर मैथ के फंक्शन चलाने हैं। अगर आप नहीं ऐड करते तो मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शन हैं एडवांस लेवल के, स्क्वेयर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो स्क्वेयर रूट हो गया, ये नहीं चलेंगे, तो ये लगानी ज़रूरी है। उसके बाद आपकी आती है मेन बॉडी, मेन फंक्शन। दी मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो हमने मेन से ही स्टार्ट करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ड लिख लो, सिंपल मेन लिख लो, इंक्लूड मेन लिख लो। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी बेस पे होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज़ को कैरी करता है।
जो इस तरह आपका वॉइड है ना, वॉइड का पता क्या मतलब होता है? जीरो, नन वैल्यू, कोई रिटर्न करनी है, जस्ट रिटर्न जीरो वैल्यू, नथिंग एल्स। आप इस ब्रैकेट को खाली लिख लो, इसके अंदर भी वॉइड लिख लो, बात कोई नहीं, इशू नहीं होगा। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, अब यहाँ पे सारा मेन फंक्शन आएगा। अब स्टेटमेंट्स देखें, स्टेटमेंट सी प्लस प्लस की क्या होती हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी होती है ना, वो कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में लिखनी होती है। दी कर्ली ब्रेसिस इज कॉल्ड ओपनिंग ब्रेस, और एक जो क्लोजिंग होती है उसको हम क्लोजिंग ब्रेस कहते हैं। एक इसकी कर्ली ब्रेस स्टार्टिंग होती है और दूसरी क्लोजिंग होती है। एक बॉडी ये देखें, ये आपकी स्टार्टिंग है, ये आपकी क्लोजिंग है कर्ली ब्रेस, और बाकी ये यहाँ पे सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स आनी है इस पार्ट के अंदर। ये देखें एग्जाम्पल दी हुई है, आपकी हैश इंक्लूड क्या है, आयो स्ट्रीम आपकी हेडर फाइल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड है, आयो स्ट्रीम आप डॉट एच जो है आपकी हेडर फाइल है, मेन फंक्शन वॉइड मेन, यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट है और कर्ली ब्रेसिस क्लोज है, ये आपकी सारी प्रोग्राम की बॉडी है। सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन है, जो ये सी आउट है, ठीक है, सी आउट आपकी आउटपुट को शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कीवर्ड है ना, कीवर्ड याद करने हैं हमें। फिर उसके बाद आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, डबल एंगल, डबल एंगल लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स के हेलो वर्ड, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जब हमें स्ट्रिंग को शो करवाना है ना, एज इट इज़ प्रिंट करवाना, तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एज इट इज़ सेम टू सेम प्रिंट करवाना, तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और इसके एंड पे टर्मिनेटर सेमी कॉलन लाजमी आएगा, हर स्टेटमेंट के एंड पे सी प्लस प्लस की जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, हेडर फाइल्स के एंड पे नहीं आएगा बस। अब ये हमने सी आउट आपको बताया है, सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो सी आउट किस लिए यूज होता है? जो भी मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। दी मैसेज मे बी कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और वैल्यू, सिंपल स्ट्रिंग हो सकती है, अभी तो ये स्ट्रिंग शो करवा रहे हैं, ये स्ट्रिंग है। जो डबल कोट्स के अंदर चीज़ लिखी होती है ना, वो स्ट्रिंग होती है। और सी आउट ऑब्जेक्ट में मैंने कॉल किया है इंसर्शन, ठीक है। इस तरह के ऑपरेटर को, ये दोनों जो सी आउट डबल लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, इसको कहते हैं इंसर्शन। जी हाँ, मैसेज इंसर्ट करो सी आउट के अंदर, और सी आउट क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पर। टोकन है, टोकन लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट होती है, जैसे कि जिसमें कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स आ गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन अ सी लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग, मतलब कीवर्ड, चाबी, कीवर्ड्स पहले से बने हुए। देखिए कीबोर्ड आपका होता है ना, उस वो ऑलरेडी बना हुआ है। आप लैपटॉप लेके आते हैं भाई, ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी आपको कीबोर्ड बनाना पड़ जाए। कीवर्ड्स बने हुए हैं ना उसके ऊपर, तो प्री बिल्ट होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि इसमें भी कीवर्ड फॉर, डबल, इफ, कॉन्स्ट यूज़ होते हैं। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर शनाख्त करना, ठीक है। आइडेंटिफायर्स होते हैं वेरिएबल और फंक्शन। आप जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं ना, उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं, और वेरिएबल्स का दूसरा नाम है आइडेंटिफायर। वो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स भी हो सकते हैं और प्री बिल्ट भी हो सकते हैं। स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, आइटम 20, काउंटर नंबर ऑफ करेक्टर, कॉन्स्टेंट। और ये चीज़ याद रखिएगा, अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन काउंटिंग से कभी भी आपका वेरिएबल नहीं बनेगा। बाद में आ सकता है, लेकिन पहले आप कहें कि 20 स्टूडेंट्स अंडरस्कोर एज, ऐसा नहीं होगा, तो वो रॉन्ग आपका आइडेंटिफायर होगा। कॉन्स्टेंट, जो वैल्यू लाइक चेंज नहीं होनी होती, साकन रहेगी थ्रू आउट द योर प्रोग्राम, वो कोई भी हो सकती है। तो जब हम इसको प्रोग्राम को रियल टाइम पे करेंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग लिटरल्स, मैंने स्ट्रिंग का ऑलरेडी बता दिया है, पता नहीं कितनी बार बता दिया। डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ होती है, डबल कोटेशन यूज़ करते हैं और एज इट इज़ प्रिंट करवाने के लिए करते हैं, ख्वाह वो कोई भी नंबर हो, मैसेज हो, करेक्टर हो, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो समझ ले वो एज इट इज़ प्रिंट होनी है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस,
पंक्चुएटर्स, ये चीज़ें आपकी ब्रैकेट्स, आपके कॉलन, आपका सेमी कॉलन, डॉट कॉलन, ईटीसी, सारे जो सेपरेट सिंबल्स हैं टू टोकन्स को आपस में सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं पंक्चुएटर्स। स्टूडेंट्स आई थिंक सो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इसके नोट्स बनाएं, इसको समझें। ये एक्चुअली आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया। तो समझ लें, ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी सी प्लस प्लस की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, वाइट स्पेस का तो ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि वाइट स्पेस अगर वर्ड्स के दरमियान में ना हो तो वो हमें कैसे समझ आएगा कि वो रीडेबल फॉर्म में तो नहीं ना होगा। तो इसमें भी ऐसे ही सी प्लस प्लस के अंदर जब हम कोड करते हैं तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर प्रोग्राम किया जाता है तो वो इस चीज़ों को इग्नोर कर देता है। आईडीई के बारे में, ये ऑलरेडी आपका कंपाइलर का ये सॉफ्टवेयर है आपका, इस तरह होता है, फाइल बनाओ, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को जूम पे ज्वाइन करवाऊँगी, देन जो भी आपकी क्यूरीज होगी आप वो पूछेंगे पहले, तो पहले हम उसको सॉल्व आउट करेंगे, देन हम आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक, अल्लाह हाफ।